कोरोना काल के बाद दिल्ली में 18 फरवरी से नर्सरी केजी और पहली कक्षा में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। स्कूलों ने एडमिशन के लिए अपने क्राइटेरिया तय कर लिए हैं। निजी स्कूलों के संगठनों ने कोरोना वॉरियर्स को एडमिशन में प्राथमिकता देने की भी अपील की है। दिल्ली में नर्सरी और केजी कक्षाओं के लिए एडमिशन की दौड़ बुधवार 18 फरवरी से शुरू हो रही है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने इस बारे में नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने भी अपने अपने क्राइटेरिया वेबसाइट पर डाल दिए हैं। प्राइवेट स्कूल के संगठनों के मुताबिक क्राइटेरिया में ज्यादा फेरबदल नहीं है। प्राइवेट स्कूल के संगठनों ने इस बार एडमिशन में कोरोना वॉरियर्स के बच्चों को तरजीह देने की अपील की है। देखिए, स्कूल तो बहुत लंबे समय से नर्सरी एडमिशन के लिए तैयार थे, उनके क्राइटेरिया भी लगभग वही हैं जो पिछले साल थे, कोई इसमें विशेष फेरबदल है नहीं। ये है कि एलुमनाई का हो गया, डिस्टेंस का हो गया, या सिंगल चाइल्ड का हो गया, या फिर आपका उसका हो गया सिबलिंग का हो गया, ये चार पांच मेन क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेस पे स्कूल दाखिला करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि कोई स्कूल अगर ये चाहता है भाई इस COVID-19 के मसले में कुछ पेरेंट्स ऐसे जिन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, कोई पेरेंट्स निकल गया, जैसे कुछ डॉक्टर निकल गए या कुछ नर्सें निकल गई, तो कुछ स्कूल इसको बेनिफिट देने के लिए अपने आप कुछ पॉइंट जोड़ सकते हैं। अभिभावक 18 फरवरी से अपने बच्चों के लिए नर्सरी एडमिशन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। ये प्रक्रिया 4 मार्च तक चलेगी। नर्सरी एडमिशन के लिए पहली लिस्ट 20 मार्च को जारी की जाएगी, जबकि दूसरी लिस्ट 25 मार्च को, जरूरत पड़ी तो तीसरी लिस्ट 27 मार्च को जारी की जाएगी। 31 मार्च तक एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है। एडमिशन के लिए आवेदन देने के समय बच्चे के पासपोर्ट साइज कलर फोटो, अभिभावक के पासपोर्ट साइज कलर फोटो, माता पिता और बच्चे के साथ फैमिली फोटो, जन्म प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, बच्चे का आधार कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड जरूरी होगा। साल 2020 में कोरोना की वजह से ज्यादातर स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी, इसलिए माना जा रहा है इस साल एडमिशन के लिए छात्रों की संख्या बढ़ सकती है। इस बार क्राउड बहुत बढ़ने की संभावना है, क्योंकि मैं आपकी जानकारी में दे दूं, दिल्ली के सिर्फ 200-250 स्कूल ऐसे हैं जिनमें 31 मार्च तक दाखिला हो जाता है, और इन्हीं स्कूलों में लॉकडाउन लगने से पहले पहले दाखिले हो चुके थे। पर जो गली मोहल्ले के स्कूल हैं, जो अपनी लैंड पे स्कूल चलने, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी है, चाहे वो प्राइमरी है, उनमें दाखला 1 अप्रैल के बाद होता है, और उन स्कूलों में दाखला नहीं हो पाया था। उन स्कूलों में बच्चे दाखला नहीं ले पाए थे जिनकी पिंक कैपेसिटी ऐसी नहीं थी कि उन स्कूलों में दाखला ले सके, बड़े स्कूलों में। तो वो सारा क्राउड इस बार बाहर निकल करके आएगा और बड़ा भारी रश रहेगा इस बार। पर फिर भी मेरा एक आश्वासन है पेरेंट्स को कि मैं पब्लिक स्कूलों के अध्यक्ष के नाते एक आश्वासन आपके माध्यम से सभी पेरेंट्स को देना चाहता हूं कि कोई भी पेरेंट्स ये ना सोचे कि उसका बच्चा दाखिल नहीं होगा। अगर दाखिल नहीं होता है तो मेरे से बात करें, मैं उसका दाखिला दिलाऊंगा, बशर्ते कि उसकी स्कूल की चॉइस अपनी ना हो। आपको बता दें, दिल्ली के करीब 1700 निजी स्कूलों की 75% सामान्य सीटों के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जबकि बाकी 25% EWS कोटे की सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया बाद में शुरू होगी। दिल्ली से विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़।